हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये तो चलो थोड़ा क्रिंज हो गया, तो चलो अपने ओरिजिनल वे में ही अपने इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इमेजिन करके देखो कि आप लोग रात को बहुत ज्यादा दारू पी लेते हो और अगले दिन जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप एक मिस्टीरियस रूम में होते हो। आप लोग उस रूम से बाहर नहीं निकल सकते और उस रूम में ना तो आपके लिए खाना है, ना पानी है और ना ही आप बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे प्यारे ठरकियों, जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे ये मूवी बहुत ही ज्यादा धमाकेदार लगी, जिससे कि मुझे लगा कि इस मिस्टीरियस और थ्रिलिंग मूवी को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलो मेरी ठरकी गैंग, बिना किसी फालतू बकचोदी के इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसने रात को बहुत ज्यादा दारू पी थी और अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक मिस्टीरियस रूम में देखता है, जहाँ पे उसके बगल में एक मरा हुआ चूहा भी पड़ा हुआ था। अब जब वो आदमी अपने हैंगओवर से उठता है तो वो देखता है कि वो किसी तिजोरी जैसे कमरे में बंद है, जहाँ पे एक अलमारी है और एक चूहा मरा पड़ा है जिसके ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े और मक्खियां भिनक रही हैं। उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस जगह पर है। वो टाइम देखता है तो अभी घड़ी में 9:30 बज रहे होते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड था। अब वो आदमी उस लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला था। वो बार बार उस गेट को पीटता है और आवाज भी लगाता है, पर ऐसा करने से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब बहुत देर से ये सब ट्राई करने के बाद वो आदमी थक हार के नीचे बैठ जाता है और उसे ये सब लगता है कि वो उसके किसी फ्रेंड ने किया है जो कि उसके साथ काम करता है। उसे लगता है कि ये उसके साथ एक प्रैंक हो रहा है, तो वो बार बार अपने उसी फ्रेंड को गाली देता है और सोचता है कि वो उस गेट को खोल देगा, पर लेकिन उसे फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और यहाँ हमें पता पड़ता है कि उसके पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो आदमी अपना फोन उठाता है और फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। और यहाँ हमें पता पड़ता है कि उसका जो बाहर की दुनिया थी उससे कॉन्टेक्ट टूट गया है। अभी आदमी सोचता है कि वो किसी तरह से उस तिजोरी को खोल दे, जिससे कि उसको कोई ऐसी चीज मिले जिससे कि उसकी जान बच सके, पर यहाँ पे भी उसके हाथ नाकामयाबी लगती है। इस आदमी को अभी भी लग रहा था कि इसके जो फ्रेंड्स हैं वो इसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो वो उनको फिर से गाली देने लगता है और सच में बहुत ही बुरी गालियां देता है, पर फिर भी उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था बाहर से। वो अपनी बेल्ट उतार के उस लोहे के गेट पे मारने लगता है, पर लेकिन वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था और वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब अपनी थकी हुई आवाज में वो फिर से अपने फ्रेंड को आवाज लगाता है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला था। हम लोग देखते हैं कि अब एक दिन पूरा बीत चुका है। वो अपने फोन में सिग्नल्स चेक कर ही रहा था तभी उसका फोन उसकी जेब से नीचे गिर जाता है और फोन भी टूट जाता है। अब क्योंकि इस रूम में ना तो खाना था ना पानी था, तो किसी ना किसी तरह तो उस आदमी को सरवाइव करना ही था। तो वो एक क्या काम करता है कि अपना जूता निकालता है और मजबूरी में उसी जूते में अपना पेशाब करके उस पेशाब को पी जाता है। ये भाई तो यहाँ पे पूरा ही मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर ग्रिल्स की औलाद बन गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लाइट लगी थी उस कमरे में, उस लाइट में एक चाबी छिपी हुई थी जो कि इस आदमी को नजर आती है, और वो उस लाइट को तोड़ के उस चाबी को निकाल लेता है और उस अलमारी को खोल लेता है, जहां पर उसे कुछ सामान मिलता है। उसके साथ साथ उसे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो छेनी हथौड़े से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर लेकिन छेनी हथौड़े से तो उस गेट पे एक खरोच भी नहीं आती। वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर से उस गेट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कैसे काटे आग से। अब इसके बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर से आग जलाएगा और फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर हम देखते हैं वो भी नकली लगा हुआ था और उसका ये प्लान भी फेल चला जाता है। अब हमारे मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर ग्रिल्स की छठी औलाद फिर से छेनी हथौड़ा हाथ में पकड़ता उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसके हाथ नाकामयाबी हाथ लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। अब छेनी हथौड़ा चलाते चलाते भाई साहब को एक गड्ढा नजर आता है, जिसके बाद वो सोचता है कि वो अब इसी गड्ढे को बड़ा करेगा, और वो उसके ऊपर छेनी हथौड़ा चलाने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो गड्ढा बड़ा हो जाता है। उसके मन में एक होप जगती है कि अब वो इस गड्ढे से शायद बाहर निकल सकता है, पर लेकिन 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 ये सब इतना भी आसान नहीं था। अब क्योंकि उसने 1.5 दिन हो गया था उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। अब इसके दिमाग में एक प्लान आता है कि जो मरे हुए चूहे पे जो किंडार लगी हुई थी वो उन्हें खा लेता है। अब यहाँ पे भाई बियर ग्रिल्स की छठी औलाद अपनी पेट पूजा करने के बाद उस गड्ढे को बड़ा करता है, जिसके बाद उसे कुछ लोहे के सरिये दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे उन सरियों को काटने के लिए वो उसी गैस मशीन का प्रयोग करता है। अब उन लोहे के सरिये को काटने के बाद उसे बाहर से एक लाइट आती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पे उसकी जो होप थी उस वो भी अभी जिंदा हो गई थी, क्योंकि अब वो उस गड्ढे से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। जैसे ही वो उस गड्ढे के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि उस गड्ढे के बाहर भी ऐसा ही कमरा है जिस कमरे में वो बहुत देर से मेहनत कर रहा था। उसकी सारी मेहनत अब खराब चली जाती है। अब जैसे वो आदमी उस गड्ढे में पहुंचता है तो उसका तो भाई कट चुका था बढ़िया वाला। अब वो अपनी नजर चारों तरफ उस कमरे में घुसाता है तो देखता है कि वहां पे एक बॉक्स पड़ा है जिसमें कि एक लड़की लेटी हुई है, और वो लड़की सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब उस आदमी को लगता है कि वो लड़की अभी मरी तो नहीं है, उसे लगता है कि वो बेहोश है या फिर सो रही है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है।
अब क्योंकि वो लड़की सो रही थी तो वो एकदम से उसे उठाता है, तो वो लड़की भी उठ जाती है और एकदम से डर जाती है। अब आगे क्या क्या होने वाला है ये सब हम सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, अगर आपको सेकेंड पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेकेंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से देख लो या फिर आप मेरे चैनल को भी विजिट करके देख सकते हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द फर्स्ट पार्ट एंड फिर मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में।